नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, यूपी में होने वाले चुनावों को लेकर पूरे प्रदेश में राजनीतिक हवा तेज हो गई है। इस कड़ी में संबित पात्रा ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जहां उन्होंने कांग्रेस और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हम सब ने देखा कि कल क्लब हाउस में दिग्विजय सिंह भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और पाकिस्तान के हाँ में हाँ मिला रहे हैं। वहीं इस दौरान संबित पात्रा ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, एक तरफ जहां पूरा देश उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मना रहा है, तो वहीं सपा नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है। पात्रा आगे कहते हैं कि अखिलेश को पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं लगता, लगना भी नहीं चाहिए। वो पाकिस्तान के प्रेम से कैसे इनकार कर सकता है। भारत का असली दुश्मन नहीं मानते और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल वोटों की राजनीति के कारण पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। दुखद, चिंताजनक और शर्मनाक। तुरंत अखिलेश जी को अपने इस बयान पर पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। मैं आज अखिलेश जी से लखनऊ में बैठकर चंद सवाल पूछना चाहता हूं। अखिलेश जी, क्या कश्मीर के बंधु हमारे भाई नहीं? जिन कश्मीर के बंधुओं के ऊपर रोज पाकिस्तान की गोली चलती, गोलाबारी होती है और निहत्थे लोग, निर्दोष लोग पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों द्वारा मारे जाते हैं, क्या उनका जीवन जीवन नहीं? भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन बना रही है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है, जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। चुनाव हो रहा है तुष्टिकरण के, पराकाष्ठा के कारण, हाइट्स ऑफ अपीजमेंट, उसके कारण जिस प्रकार से अखिलेश यादव जिन्ना और पाकिस्तान के विषय में बात कर रहे हैं। मैं आज तमाम अखबारों में पढ़ रहा था, कहीं भी मैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का लिस्ट नहीं देख रहा। क्या कारण है? मैं गाड़ी में आया तो वाहन चालक भाई ने मुझे बताया कि भैया, यहां पर तो उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित ना हो रही, अखिलेश भाई तो घोषित ही नहीं कर रहे। मैं क्यों? तो सब गुंडे बदमाश है, तभी ना घोषित। कि अखिलेश जी शुक्र मनाइए कि याकूब मेमन को फांसी हो गई है, वरना मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं कि अखिलेश जी का बस चलता तो याकूब मेमन को भी नाहिद हसन के साथ चुनावी मैदान पे उतारते। आज सुबह से जिस प्रकार पाकिस्तान 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 का रट लगाए हुए कि नहीं, पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। आज मैं बिल्कुल कह सकता हूं, शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश। उत्तर प्रदेश में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस वार्ता करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में जिन्ना को हमारी पार्टी नहीं लाई, बल्कि अखिलेश यादव लेकर आए हैं। इसी बयान पर सपा राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर नितेंद्र यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने अखिलेश का बचाव करते हुए बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा, अखिलेश जी का कहने का मतलब था कि पाकिस्तान भारत के सामने टिक नहीं सकता, लेकिन बीजेपी ने इस बात का मुद्दा बना दिया क्योंकि बिना बुलाए तो देश के प्रधानमंत्री वहां बिरयानी खाने चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी, संबित पात्रा जैसे लोग, ये पाकिस्तान से इनकी पुरानी यारी है। भारतीय जनता पार्टी का आतंकवाद पाकिस्तान से बहुत पुराना और बहुत गहरा रिश्ता है। ये लोग चुनाव आते ही अपने उस दोस्त को हमेशा याद करने की कोशिश करते हैं। शायद संबित पात्रा ये भूल गए हैं कि जब मौलाना मधुर
मसूद अजहर खूंखार आतंकवादी, उसको भारत से ले जाकर के दूसरे राज्य अफगानिस्तान की सीमा तक हवाई जहाज में छोड़ने का काम किसकी सरकार में किया गया था? बिना बुलाए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान बिरयानी खाने क्यों गए थे? आतंकवादियों को समय समय पर बुला करके और उसका स्वागत करने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार। समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 159 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। अखिलेश यादव की मंजूरी मिलने के बाद जारी की गई इस लिस्ट में पहले दूसरे चरण समेत अन्य चरणों के उम्मीदवारों के नामों को फाइनल किया गया। समाजवादी पार्टी के 159 उम्मीदवारों की नई सूची में अखिलेश यादव का नाम सबसे पहले है। लिस्ट के अनुसार अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनावी ताल ठोकने वाले हैं, तो वहीं शामली जिले के कैराना विधानसभा से नाहिद हसन को उम्मीदवार बनाया गया। रामपुर विधानसभा सीट से आजम खान को उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसके अलावा लिस्ट में 159 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। जसवंत नगर से शिवपाल सिंह यादव ताल ठोकेंगे। आज उत्तर प्रदेश दिवस है। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है और पहले चरण के चुनाव को लेकर नामांकन होने के बाद अब सभी प्रत्याशी अपना दमखम दिखा रहे हैं। अगर बात की जाए तो गाजियाबाद के विधायक और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग की, जहां उन्होंने यूपी दिवस के मौके पर जनता टीवी से खास बातचीत और करते हुए बताया कि यूपी दिवस क्यों मनाया जाता है और इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार क्या प्रोग्राम कर रही है। 15 अगस्त 1947 में आज़ादी के बाद यूपी को 24 जनवरी अस्तित्व में आया, लेकिन यूपी दिवस मनाने का विचार सबसे पहले जो हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व गवर्नर श्री राम नाईक जी ने रखा था, उस बैठक में मैं था, मेरे को सौभाग्य मिला उस बैठक में रहने का। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को ये कहा कि यूपी का जो सम्मान है और यूपी का जो गर्व है यहाँ की जनता को होना चाहिए, उसके लिए यूपी दिवस धूमधाम से मनाना चाहिए। यूपी चुनाव में सारे दल अपनी ताकत दिखाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में अपना दल भी पूरे जोश के साथ 2022 विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री से जब हमने खास बातचीत की तो सीटों को लेकर पूरी तरीके से वो खुलती नजर नहीं आई, लेकिन उनका कहना था कि सीटों को लेकर हमारी सहमति बन गई है, जल्द ही सीटों का हम ऐलान कर देंगे। सुनिए और क्या कुछ कहा उन्होंने। इस वक्त हमारे साथ अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल हैं। अनुप्रिया जी, पिछले दिनों आपका दिल्ली में तमाम नेताओं के साथ आपके अमित शाह के साथ कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रही है इस बार? अभी बातचीत चल रही है, बहुत जल्द हम संख्या भी बताएंगे। बातचीत चल रही है। अभी आपने स्वास्थ्य सीट से उतारा है हैदर अली को, ये आरोप लग रहे हैं कि भाजपा ने अपने सहयोगी दल के जरिए मुस्लिम उम्मीदवार को उतार के कहीं ना कहीं इन आरोपों से बचने का प्रयास किया है कि मुस्लिम उम्मीदवार वो नहीं उतारती है। देखिए, ऐसा है कि विपक्षी तमाम तरीके की बातें कर सकते हैं, जो सीट हमारे पास है हमारे सिंबल पे उस पे हम तय करते हैं, हमारी पार्टी में किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि अनुप्रिया हमारे संपर्क में है, बहुत जल्द ही वो अखिलेश यादव की पार्टी में आ जाएंगी। वो मुझे इतना स्नेह करते हैं, मेरी पार्टी को इतना स्नेह करते हैं, मैं भी उनका बहुत सम्मान करती हूँ और मुझे खुशी है कि वो हमेशा अपना दल को अपने दिल में रखते हैं। वर्चुअली रैली आजकल की जा रही है, अपना दल कितना मजबूती से वर्चुअल रैली में उतरा है? पूरी मजबूती से। वर्चुअल मीटिंग्स का अनुभव अब पुराना हो चुका है, 2-3 साल से कोरोना की पैंडेमिक में हम सभी ने कहीं ना कहीं इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आने की कोशिश की है, हमारे कार्यकर्ताओं को अब इसकी आदत भी बढ़ गई है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से जितना मशीनरी इक्विपमेंट और सेटअप बड़ी पार्टियों के पास होता है उतना छोटे दलों के पास नहीं होता है, इसलिए हमारे लिए चुनौती कुछ हद तक है। अखिलेश यादव ने ओपिनियन पोल पे आपत्ति दर्ज कराई है, उन्होंने चुनाव आयोग को भी लेटर लिखा, उन्होंने कहा है कि इस पे पाबंदी लगानी चाहिए क्योंकि इससे हमारे कार्यकर्ता जो है वो कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं। देखिए, अब उन्होंने चुनाव आयोग को लिखा है पत्र, चुनाव आयोग इस पर अपना निर्णय सुनाएगा, लेकिन ओपिनियन पोल्स तो चुनाव की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, पोल्स आएंगे और मुझे लगता है कि आम जनमानस के बीच में अगर हम कॉन्फिडेंट है कि हमारी लोकप्रियता है और हमें मौका मिलने जा रहा है तो इन सब बातों से बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होती। और प्रजी आखिरी कोई सवाल है कि सीटों को लेकर कब तक डिक्लेरेशन हो जाएगा कि आप इतनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है अपना दल? बहुत जल्द, बहुत जल्द। तो ये थी अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल का साफ तौर पर कहना था कि सीटों को लेकर चर्चा चल रही है, हमारी आपसी सहमति बन गई है, बहुत जल्द ही हम इसका डिक्लेरेशन कर देंगे। कैमरा सनी के साथ मजया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद नामांकन में सपा प्रत्याशियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना की मूर्ति समाजवादी पार्टी नहीं लगाएगी बल्कि बीजेपी लगाएगी, क्योंकि आजादी से पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। मुस्लिम तो जिन्ना को पसंद ही नहीं करते क्योंकि उनसे उन्होंने देश को दो हिस्सों में बांट दिया। अखिलेश जी जिन्ना की मूर्ति नहीं लगाएंगे, जिन्ना की मूर्ति वो लगाएंगे जिन्होंने जिन्ना के साथ मिलकर के सरकार बनाई। अखिलेश यादव के लोगों ने, अखिलेश यादव की विचारधारा ने जिन्ना के साथ सरकार नहीं बनाई थी। 12 दिसंबर 1941 को बंगाल प्रोविंस के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के ए.के. फजलुल हक साहब की गवर्नमेंट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर बने और उसी सरकार के अंदर वो उप मुख्यमंत्री बने और उन्होंने द्विराष्ट्र थ्योरी को, जो टू नेशन थ्योरी थी, उसका समर्थन किया। सरहदी सूबे के अंदर मुस्लिम लीग की सरकार हिंदू महासभा के लोगों ने तोड़ करके मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस की सरकार तोड़ करके बनाई। सिंध के अंदर इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया 1936 के अंदर और उस 1936 के रेजोल्यूशन को 27 अप्रैल 1940 के अंदर मुस्लिम लीग ने लाहौर के अंदर पास किया कि देश का विभाजन होना चाहिए। तो ये विभाजनकारी जो नीति करने का समर्थन करने वाले लोग हैं वो जिन्ना की मूर्ति लगाएंगे। हम जिन्ना को सबसे बड़ा गुनाहगार मानते हैं, जिन्ना हमारा सबसे बड़ा दोषी है, जिन्ना ने देश का विभाजन करने का। लखीमपुर खीरी में पुलिस की पिटाई से एक नाबालिग की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने मोबाइल चोरी के आरोप में नाबालिग को हिरासत में लिया था। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उनके बेटे को बुरी तरीके से पीटा जिससे उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिवार ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। परिजन आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। मामले की जानकारी मिलते ही क्षेत्राधिकारी और SDM मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिवार को समझाने का प्रयास किया लेकिन वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। परिजनों का साफ तौर पर कहना कि सिपाही और चौकी इंचार्ज उनके बेटे को घर से लेकर गए थे, उनको सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। उनको आपको यह भी बता दें कि गांव कमालपुर निवासी लाखी राम का 16 साल का बेटा राहुल अपने चाचा के घर गया था। उसी दिन चाचा के घर से एक मोबाइल चोरी हो गया, जिसके बाद चाचा ने राहुल पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज कराया था। परिवार का कहना है कि पुलिस उनके घर पहुंची और राहुल को पकड़कर मारना शुरू कर दिया। पुलिस में रात को खजूरिया चौकी ले गई जहां उसकी पिटाई हुई। चाचा को बोला कि भैया दरवाजा खुले रखना, मैं सोने आऊंगा। उसके बाद फिर मेरी मौसी की लड़की के घर गया, पेन ड्राइव लेके आया, टीवी देखा बेचारा, फिर नशा होने लगा तो मम्मी ने अपने साथ वाली खटिया में सुला ले। उसके बाद सुबह उसका 4 बजे पता लगा कि फोन नहीं है उसके पास। उसके बाद फोन चल गया तो चाचा आए, चाचा पूछे कि हाँ तू कह रहा था रात को मैं सोने आऊंगा तो सोने आऊंगा तो मैं आया कि वो नहीं, फोन तो ही चोरी किया कह के रिपोर्ट करवाया पुलिस वाले को। तो उसके बाद पुलिस ने बुलाया था घर, वहीं पे चौकी में बुलाया था उसे। उसके बाद चौकी में ले जाने के बाद यहाँ तक कि मम्मी खुद लेके गई थी चौकी में, फिर बुलाए उनके कि मेरा लड़का निर्दोष है। मम्मी लोग को ऐसे घर से भेज दिया, कह रहा है कि चौकी से जाओ तुम लोग, हम जो कार्रवाई करना होगा कर लेंगे। उसके बाद कार्रवाई करने के बाद मेरे भाई को इतना मारा भी चला, नाबालिग 16 साल का मेरा भाई है, उसे ऐसे कुत्तों की तरह मारा, उसका पैर पकड़ रहा था, आगे बोल रहा दीदी मैं उसका पैर भी पकड़ रहा था, तो भी मुझे नहीं छोड़ा, बहुत मारा, नीचे लिटा लिटा के पट्टे से मारा, कोई उम्र थी इसकी मारने की तो थप्पड़ मार के पूछ लेता। आजमगढ़ पुलिस ने TET परीक्षा में नकल कराने के लिए बड़े गैंग का खुलासा करते हुए 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से 2,70,000 कैश और 48,50,000 के 6 चेक भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार लोगों में 7 कॉलेजों के प्रबंधक, उनके स्टाफ के अलावा DIOS कार्यालय के क्लर्क भी शामिल थे। इसके अलावा रामपुर जिले से आजमगढ़ में आकर नेटवर्क बनाने वाले भी कुछ लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो आपको बता दें कि टेट परीक्षा को लेकर के लगातार गिरफ्तारियां क्षेत्र में हो रही हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख देवभूमि का करेंगे। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज होने के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव की ओर से दिए गए इस बयान को भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बना लिया है। अब तक जिन्ना वाले बयान पर सपा अध्यक्ष को घेर रही बीजेपी ने अब उन्हें पाकिस्तान प्रेमी बताने में
कहीं ना कहीं वो जुट गई है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि अखिलेश यादव को पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए और वहीं पर बस जाना चाहिए। माने वहीं जाए ना, जो कह रहे हैं वहीं रहना प्रारंभ करे, कहीं पर भी है तो। किसने दुश्मन माना है? कोई हमें दुश्मन मानता है, कोई हमारे अंदर घुसता है, कोई हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाता है और हमारे यहाँ पर अंदर आकर तहस महस करता है, सेबोटाज करता है। तो मित्रता के काम है, अगर उनको लगता है तो मित्रता, उनको जाके वहीं रहना चाहिए। वहीं कोविड नियमों का पालन करते हुए रायपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी उमेश शर्मा काऊ ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद भाजपा प्रत्याशी उमेश शर्मा काऊ का साफ तौर पर कहना कि भाजपा नेतृत्व ने दोबारा उनको रायपुर सीट से जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके लिए वो उनका धन्यवाद प्रेषित करते हैं। तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट को अपना प्रत्याशी घोषित किया, तो इस बार रायपुर सीट पर बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में मुकाबला देखने को मिलेगा। अपने राष्ट्रीय लेकर, प्रदेश लेकर और संगठन का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान देके मुझे चुनाव में भेजा है और अपने क्षेत्र की जनता का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि जब भी सर्वे हुआ उसमें उन्होंने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया कि राष्ट्रीय नेतृत्व को भी आप सबने देखा होगा कि कुछ मेरे नाम के साथ अलंकार लगाकर रायपुर सीट को। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस कमेटी की कैंपेन थीम, कैंपेन सॉन्ग और उत्तराखंड स्वाभिमान चार धाम चार काम का विमोचन किया। इस दौरान पार्टी के इंटरनेट मीडिया के व्हाट्सएप प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया। भूपेश बघेल ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। सरकार और राज्य की सरकार केवल बातें भर कर सकते हैं, काम ही नहीं कर सकते। आपने देखा कोरोना काल में क्या स्थिति थी, क्या उत्तराखंड की बात हो चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, यहाँ कितना भ्रष्टाचार हुआ उसके बारे में भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है और किस प्रकार से लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया गया। तो ये कोरोना भी नहीं लड़ पाए, ताली थाली बजाते रहे, दूसरी तरफ देश को नोटबंदी जीएसटी के आग में झोंक दिया गया। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बहुत बेहतरीन हो। नमस्कार।